आपने जन्नत कमा लिया है जब भाई, हम आपको इस बात का यकीन देते हैं आपको जन्नत मिली है, जिंदगी हम आपके एहसान वाला यकीन करें। मेरा दिल कर रहा है कि मैं जो है ना अम्मी के ना आपकी अम्मी के मैं मेरी भी माँ है वो मैं उनके आके पांव चूम लूं मैं। अस्सलामुअलैकुम जी लेडीज ऑन ड्यूटी, क्या हाल है? ओके यार बड़ा मजे का कॉन्सर्ट है, अल्लाह हाफिज़। ओके भाई अल्लाह हाफिज़, पहुंचो शाबाश पहुंचो। चलो मम्मा जी झूले लेते हैं, हम झूले लेते हैं। अब कुछ भी नहीं है मम्मा जी, कुछ भी नहीं है। चलो देखो की कर दी की गई मम्मा, ओ मम्मा गई जी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू रॉक। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जो सो गया सो खो गया। ठीक है, तो मैं सोया ही रह गया, 1:15 बज रहे हैं और घर का आलम आपको दिखाऊं तो घर पूरा खाली है, कोई भी नहीं है घर पे, सब के सब गए हैं नियाज खाने कुंडों की, जो हमारी सोसाइटी के अंदर ही मेरी खाला रहती है। यार मेरी आवाज कैसी हो गई यार, ये कब ठीक हो गई? 3 दिन हो गए हैं। गार्ड भी, अवैस भी, सलमान भी, अम्मा भी, बाबा तो वैसे ही कल के अपने भाइयों की तरफ है, सब गए न्याज खाने, मुझे उठाते रहे मैं नहीं उठा। खैर अभी कॉल आई है खाला की कि आ जा बच्चे, सारे इंतजार कर रहे हैं, चलते हैं नाश्ता वाश्ता करके आते हैं, कुंडों की न्याज करके आते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि खाला ने क्या बनाया है। गाड़ी अपनी अभी कल परसों साफ कराई है यार, फिर गंदी हो गई है, मौसम ऐसा अजीब सा हुआ है, डेली रात को बारिश हो जाती है। चलते हैं जाके देखते हैं खाने में क्या है, नाश्ता वगैरह करके आते हैं और उसके बाद घर आके आपको आज के व्लॉग का सीन बताते हैं। क्योंकि हम सोसाइटी के अंदर ही हैं तो मैंने गाड़ी नहीं निकाली, मैंने सोचा कि थोड़ा सा पैदल भी चल के देखा जाए, अदरवाइज तो रूटीन ऐसी हुई है कि पॉटी करने भी जाना ना, पॉटी करने भी गाड़ी पे ही जाना है। लेकिन खैर मुझे याद आया हम लोग एक अहद के तहत चल रहे हैं, 11 मार्च से पहले पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर इंशाल्लाह इंशाल्लाह कंप्लीट करने हैं, आपकी सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकते। तो अगर अभी तक आप अनसब्सक्राइब्ड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, इससे होता यह है जैसे ही कोई नया व्लॉग अपलोड होगा आपको फौरन नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और हमारा अहद भी कम्प्लीट हो जाएगा। एक मिनट रहे, यूट्यूबर आ रहा है, यूट्यूबर आ रहा है, परे यो, परे यो, परे। अच्छा जी तो अभी आइए मेरी फेक दुल्हन अब तक का हाईली व्यूड व्लॉग, क्या हाल है फेक मैरिज प्रैंक, इनके घर पे आज कूदने हैं। चलो जी चलो बेगम जाने दो, आए 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 बैठ, तो वैसे मैं गया हूँ बेगमों की तरह। ओए ओए जहाँ से राम से राम से, ओए ये बारबी डॉल किसकी है, किसकी है बोलो, भैया की, भैया की बारबी डॉल इन ब्लैक अज काला जोड़ा पासा डीफर बैश थे माशत की जाए। इधर आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ऊपर कैसे गए हो आप, ऊपर कैसे गए हो? कहती है आपने जाए, मेरी सारी स्क्रिप्ट खराब करती हूँ पागले। आओ इधर आओ, इधर आओ, चप्पी डालो, इधर आओ, मेट्रो चले, मेट्रो चले। नहीं मैंने मेट्रो नहीं जाना। पप्पी तो दे दो एक, वन पप्पी प्लीज, वन पप्पी प्लीज प्लीज। वो जहाँ से गिनना नहीं, गिनना नहीं, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, हाथ पकड़ाओ, हाथ पकड़ाओ, इधर आओ, नहीं गिरते ना। आए ए चलो पप्पी तो, पप्पी पप्पी पहले पप्पी। अस्सलामुअलैकुम जी लेडीज ऑन ड्यूटी, क्या हाल है? अच्छा भाई जिस भी खाला के घर कुंडे या जिस भी खाला के घर खाना बनना हो ना, ये औरत वहाँ पर बुलाई जाती है क्योंकि ये हमारी जो है ना मास्टर शेफ है। ठीक है, कुंडे मेरी वो वाली खाला के घर है, इसकी मम्मा, ठीक है, और ये मास्टर शेफ है, और ये तो वैसे ही उठाया क्यों नहीं सुबह, मुझे उठाया क्यों नहीं सुबह, है क्या बन रहा है खाला, क्या मेन्यू में यार दिखाओ जरा, ये क्या है जी, आए 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 चने आ गए, खीर की तरह खीर, खीर दिखाओ, ये आ गया जी हलवा, और क्या है खीर, खीर कहाँ पे है, खीर की शक्ल दिखाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम, बस खान पीन के टाइम पे पहुंच जाया करो, काम ना करना कुछ, अच्छा बोलो। हाँ इस बच्ची ने किया, ये जो ट्विन्स है ना, ये दोनों जो है ना ये हड हराम है, ठीक है, खाने के टाइम पे आई है, काम टकेगा नहीं किया, सच है ये, सच है। ये आ गई जी खीर, खाला ने बाउल में कर दी हुई खीर, और ये मेरा ख्याल है मठियां होंगी, मठियां आ देखा जबरदस्त। ये आ गई जी फ्रेश पूरी आपके भाई के लिए, साथ की आ गई चिकन चने, बिस्मिल्लाह। मजा आया, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, न्याज बहुत मदद की, न्याज बहुत मदद की बच्चे, बहुत शुक्रिया। वो फैमिली आई उनको न्याज खिला दिया मैंने, हाँ। तो कह रहे हैं रजबा इसमें फैमिली है, हाँ। सेल्फी सेल्फी सेल्फियां रे सेल्फियां। अच्छा जी न्याज बहुत मदद की थी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम जी,
माजरत मेरा ब्लॉग, अच्छा ताड़ा भी ब्लॉग बन रहा, क्या बात है भाई, क्या बात है। आप ठीक हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो आए हुए ना पहले घर? जी जी। क्या नाम आपका? आपका अहमद के नाम से चैनल है, स्ट्रॉन्ग अहमद। स्ट्रॉन्ग अहमद, जबरदस्त जबरदस्त। हुक्म करें मेरी जान, ऑर्डर लगाएं। ओए इधर आओ, ये देखिए आप क्या हाल है। आप भी खड़े हैं? तो भैया ठीक है, सब आने से पूरे पढ़ लिए? हां जी। माशाल्लाह, दुआ किया करो हमारे लिए भी, हुक्म करें जी। रजब भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। बेटा ठीक है, स्ट्रॉन्ग अहमद से चैनल बनाया इसने जो, ठीक है। पहले भी दो तीन मतलब आपसे मुलाकात हुई है। अच्छा जी, मैं इंशाल्लाह काम कर दूंगा। अच्छा जी, तो आपके पास कुछ मुखाबी हुई है? अच्छा जी, मोस्ट वेलकम। स्ट्रॉन्ग अहमद के नाम से आप क्या करते हैं? मेरा नाम, मेरा सिलाई का काम है। अच्छा, टेलर है, जबरदस्त। आप क्या करते हैं भाई? मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक कामयाब करे। स्ट्रॉन्ग अहमद के नाम से जी बच्चे का चैनल है, इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। आप लोग यहाँ पर कैसे आए हैं? घर तो मेरा दूसरी तरफ है, उधर से फिर उधर से पता चला आपका पीछा करते करते पीछा करते करते। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग अहमद के नाम से बच्चे का चैनल है, इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, ताकि वो काफ़ी देर से मेरा ख्याल मेहनत कर रहा है। दो तीन बार मेरे घर पहले भी आया, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी किसी ना किसी वजूहत की वजह से। तो अगर आज मुलाकात हो गई है, आपने न्याज कर लिया, ऑल गुड। दो साल हो गए मुझे यूट्यूब, जबरदस्त भाई, अल्लाह पाक कामयाब करे आपको। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें भाई को, बड़ा प्यारा भाई हमारा, माशाल्लाह। ठीक है भाई, थैंक यू। आपकी फैमिली से उम्मीद है वो कर देंगे सब्सक्राइब। बेशक बेशक, उसको भी तो नजर आने दे। क्या आगे तूने पिस्तौल अपनी खड़ी की हुई है, एडा सोना बच्चा लगाया है पीछे। ओके भाई, खैर से जाओ, थैंक यू। अच्छा जी, न्याज से फ्री हो चुके हैं, अम्मा घर जा चुकी हैं, क्योंकि घर पे भी दो तीन फैमिली आई हुई हैं और मेरा पार्टनर मेरे साथ है। आपको घर जाके दो मैसेजेस सुनाने हैं, जो आप लोगों के लिए रिवॉर्ड है और मेरे लिए भी रिवॉर्ड है। आप लोगों के लिए भी दुआएं हैं और मेरे लिए भी दुआएं हैं। घर जाके वो मैसेजेस सुनाते हैं आपको, और फिर आज के क्या हेलो हेलो, और फिर आपको आज के व्लॉग का सीन भी बताते हैं, जो कल वाले व्लॉग में अम्मा ने बताया था कि मैं फुल ऑफ फन करूंगी, उसका सीन भी बताते हैं और उसे स्टार्ट भी करते हैं। बाक्या बाक्या बाक्या, हरिया भरिया भरिया, रन 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 रन, मेरा काका बाक्या बाक्या बाक्या, आजा 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 आजा, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, रौनका लगी आने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, लम्बा गोहर अब्बास साहब, हमारी ईरान में मुलाकात हुई थी जी, ऐसे ही है। और आज माशाल्लाह जो है वो पूरी फैमिली आई है। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, तबीयत से ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? ठीक है, ये आपकी माँ जी आपकी? हाँ मम्मा, मेरे छोटी बहन। अच्छा अच्छा, क्या हाल है बच्चे, ठीक हो? आपका क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये जी हमारे इलामा साहब है, आपका शुक्रिया अदा करती हूं ना। क्यों? तेरी वजह से इतने प्यारे प्यारे लोग मुझे मिल जाते हैं। हां माशाल्लाह, आप सब ठीक हैं जी? मैं आता हूँ आपकी तरफ भी। अच्छा जी, हमारे बहुत ही प्यारे इलामा साहब हैं, इलामा गौहर अब्बास साहब। हमारी इनसे मुलाकात हुई थी ईरान में, और मुझे कल इनका फोन आया था कि मैंने वापस जाना है फैसलाबाद, मजलिस पढ़ने लाहौर आया हूँ। मैंने कहा जी जरूर, आप जरूर मिलने आइएगा, सारी फैमिली साथ आई है। और मैंने लिए बड़ा अनमोल तोहफा है जी, हुक्म करें जी। करीमे करबला बादशाह मुर्शिद हुसैन अलैहि सलाम के जो रोजे की कब्र मुबारक है नीचे सरदाब में, जी जी, ये उसके रोजे की मट्टी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, और मौला का फरमान है, कितने बड़े सखी हैं अली के बेटे, जो खाक भी दे तो खाक में भी शिफा देते हैं। तो माँ जी, इसका जो सबसे बड़ा मौजा है ना, ये मैं स्पेशली जब मुझे मिली ना, मुझे आप याद है, जैसे आप अकीदत रखती है मौला से। मौला फरमाते हैं कि जब रोजे हशर का मैदान होगा ना, अल्लाह का जिब्राइल सरसाइल दरदाइल राद, जल्दी करो करबला की जमीन को अर्श पे लेके आओ। तो जैसे ही जिब्राइल उठाने लगेगा ना जमीन, तो अल्लाह का जिब्राइल परेशान क्यों हो, जिब्राइल का मेरे मालिक, लेकिन जब ये मेरे जमीन तेरे कहने पे फर्श पे रखी थी, बड़ी वजनी थी, अब ये बड़ी हल्की हो गई है। क्या बात, फरमाया यहाँ मोमनीन आते थे और करबला की मट्टी अपने घर में जियारत के लिए ले जाते थे। मेरे मालिक अब क्या करूं, फरमाया फिर जिस जिस घर में खाके शिफा है उस घर को करबला के साथ ऊपर ले। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आपके लिए तोहफा है। बहुत शुक्रिया जी आपके आने का। मैंने सुना भाई तुम नकल करते हो मेरी, है नकल करते हो, करके दिखाओ जरा थोड़ी सी। जी क्या नाम आपका बच्चे? हिमाइल, माशाल्लाह जबरदस्त। मेरी हाँ, मेरे जो बड़े भाई ना, चाचू के जो बेटे हैं, उनकी बेटी है, उसका भी नाम हिमाइल है। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, नवा साहब बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का शुक्रिया। मेरी दिल से दुआ है कि मालिक आपको हमेशा अपनी वलायत के हिसार में रखे। आपका शुक्रिया, और इमाम ज़माना की फौज में आप सबका शुमार हो। आपका शुक्रिया, आपको बादशाह रहे, खैर खैर हो खैर हो खैर हो। थैंक यू सो मच माँ जी, बहुत शुक्रिया। बस आपकी दुआएं चाहिए, बहुत शुक्रिया। ओके जी, फैमिली जा चुकी हैं, तीन चार फैमिली आई हुई थी, और शाम के चार बज रहे हैं,
सुबह 11:30 का मैं उठा हुआ, अभी तक मैंने सिर्फ दांत साफ किए हैं क्योंकि मैंने नियाज करनी थी अल्हम्दुलिल्लाह जो खाला की तरफ थी, ना मैं नहाया हूँ ना मैं कपड़े चेंज किए हैं, ऐसे ही सुबह से फिर रहा हूँ। 4 से 5 फैमिली कितनी टोटल? 5-6। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4 बज गए हैं, लेकिन हमने जहां जाना है वहां पर हमारा टाइम 7 बजे का ही है, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो मैंने और मेरी रजत फैमिली ने एक काम किया है परसों की डेट में, क्योंकि आप लोग व्लॉग ये 2-3 बाद देख रहे हैं लेकिन अभी 24 घंटे नहीं हुए स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड कपल के व्लॉग को लगाए हुए, ठीक है। तो जब हमने कल आपने सुना उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पैगाम भेजा आपके लिए भी और पूरी की पूरी रज्जा फैमिली के लिए, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ भला, किसकी बात कर रहा हूँ? जिनको हमने कल शाउट आउट दिया है जो ब्लाइंड से आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है। ये मेरे लिए नहीं आप सबके लिए है, मैंने सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया। उन्होंने ये पैगाम भेजा है जैसे ही हमने व्लॉग अपलोड किया था पहला मैसेज ये आया था, ये देखिए। सात बज के 7 मिनट पे अपना व्लॉग अपलोड हुआ था और 7:32 पे उनका रिप्लाई आ गया था। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत नाइस व्लॉग बना है माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे सब्सक्राइबर भी इंक्रीज हो रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, यकीन करें आज तो ना सारा दिन हमने मसाले पे गुजारा है, इतना ऐसे ना होता है तो अभी माशाल्लाह व्लॉग देखा है, आप शुक्राने के नफल पढ़ेंगे, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे, यकीन करें नफल अदा करेंगे, आपका बहुत शुक्रिया, आपके वालिदैन का बहुत शुक्रिया, अम्मा जी का अंकल का, और जो है ना यकीन करें मैं कहता हूँ कि जितने हाथ दुआओं के लिए आपके लिए कम हो कम है और बहुत सारे करोड़ों लाखों अरबों खरबों हाथ दुनिया और आखिरत में अल्लाह कामयाबी दे आपको, जितनी दुआएं हम करें बहुत कम है, आपका बहुत बड़ा एहसान है रजब भाई, यकीन करें हमारी तो आंखों में आंसू आ गए हैं, और आपका इतना बड़ा एहसान है ना रजब भाई, आप सोच भी नहीं सकते हमारे। अच्छा जी एक मिनट अभी सिर्फ जो है वो 15 से 20 मिनट हुए थे व्लॉग लगाए हुए, 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर उनको गए थे तो उनकी ये कैफियत है, ठीक है। उसके बाद मैंने उनको रिप्लाई कर दिया कोई आधे पौने घंटे के बाद ये किताबेदार, और आज सुबह ही रात को 2:06 उनका मैसेज आया, ये मैसेज सुनने वाला है मैसेज सुनिएगा, और मैं बता दूं कि ये मेरे लिए नहीं है ये आप सबके लिए है, ये मैसेज सुनिएगा। आपके वालिद साहब के, और यकीन रहे रजब भाई की आपके लिए बहुत दुआएं हैं और आपकी जनती होने की जमानत हम देते हैं, गवाही देते हैं। 10-11 बजे ना सो जाते होते हैं, नींद नहीं आ रही, ऐसे है की रो भी रहे हैं कुछ भी हो रहे हैं, अजीब सी कैफियत है, आपने जन्नत कमा लिया है, हम आपको इस बात का यकीन देते हैं आपको जन्नत पकी जिंदगी, हम आपके एहसान वाला यकीन आपसे मिलेंगे ना आपके साथ सेलिब्रेट भी करेंगे इंशाल्लाह, ये खुशी मैं आपके साथ जरूर सेलिब्रेट करूंगा, और जो है ना मेरा बख्श चले, मैं मेरा दिल कर रहा है कि मैं जो है ना अम्मी के ना आपकी अम्मी के मैं मेरी भी माँ है वो मैं उनके आके पाँव चूम लूँ, मैं बहुत अच्छी है और आपके वाले प्यार भी बहुत अच्छे हैं, तो रजत भाई अगर आपको बहुत खुशियाँ दे, बहुत कामयाबियाँ दे, इतनी कामयाबियाँ दे जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया। लो जी बम्मा यार मैं मोबाइल पकड़ता कि आपको चुप करवाता, क्या कर रहे हो आप, क्यों रो रहे हो, हद हो गई है, मुहर्रम चल रहा है यहाँ पे भाईजान, ये चीज है मैंने पैसे भी कमा लिए और मैंने ये जो प्यार कमा लिया ना खुदा की कसम मेरे लिए सबसे बड़ी किक ही ये है, ठीक है। मेरी आंखें सूज गई कोई बात नहीं, मुझे सोसाइटी वालों ने कह दिया कि अपना कार चेंज कर, तेनू तो मिलने वाले बंदे ही बहुत आते ने, कोई बात नहीं, खैर है मेरे घर पे चोरियां हो गई कोई बात नहीं, लेकिन जो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है भाई इसका देन नहीं है, क्या बात है, ये चेक किया? भाई ये सब मेरे बच्चों का साथ दे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, सारी दुआएं उनको भी लगनी है बेशक, ये मैंने पहले ये चीज क्लियर की है कि ये आप लोगों के लिए ही है, सबके ये ऑल द रजा फैमिली मेंबर्स के लिए दुआएं हैं, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ठीक है। अभी व्लॉग लगाए हुए 18 घंटे हुए हैं और स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड कपल जो है वो 65K सब्सक्राइबर टच कर रहा है, हमने 100K डिमांड किया था, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल तक 100K हो जाएगा, लव यू दिल से सपोर्ट आप सबके लिए, और मेरी दिल से दुआएं आप सबके लिए, दिल से दुआएं मौला आप लोगों को नजरे बात से नजरे हसन से बचाए, हर जगह पे मेरी इज्जत रखने के लिए, मेरा मान रखने के लिए आपका लाखों करोड़ों शुक्रिया, लव यू, सलामत रहो, मैं कहती हूँ सारी दुआएं मेरी आप लोगों को लग दी, जो आप सारे मिलके इस तरह के बंदों की मदद करते हो मौला पंदर इसी तरह करें, शुक्र सब सलामत नजरे बात से नजरे हसन से दायम रहे दायम रहे, और मैं आपको बता दूं बड़ा मजे का व्लॉग है भाईजान, गजल के घर के बाहर लगे हैं झूले, फेस्टिवल हो रहा है, मैं लेके जा रहा हूँ अम्मा को और बाबा को फेस्टिवल पे, झूले दिलवाने हैं, कॉन्सर्ट सुनवाना है, मैंने मौज मस्ती करवा देनी है, अवैस को भी लेके जाएंगे, जाना ही आए, लेकिन हमारा टाइम है वहां पर 7 बजे का, अभी हो रहे हैं 4 बजे हैं, 7 बजे हम लोग जाएंगे वहां पर, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं भाई, खुदा के संबंध है सुबह से, ये इतनी इज्जत जो इतना प्यार है ना ये एवं नहीं होती, रात जाग जाग के मेहनत की, लव यू, 2 घंटे के बाद मिलते हैं झूलों के ऊपर जाके।
ओके जी, शावर वगैरह ले लिया है, स्वेटर चेंज कर लिया है, क्योंकि मैंने ये स्वेटर संभाल के रखा हुआ था कि जिस दिन हमने जाना है उस दिन पहनूंगा। ये गिफ्ट आया, मुझे बहुत ही पसंद है। 7:15 बजे हमने वहां पर पहुंचना था और 8:15 हमें गाड़ी हो रहे हैं। जी शॉक बता रही है कि अगर तुम टाइम पे पहुंच जाओ तो तुम रज्जब फैमिली ही काय की हो। बट साहब आपने जाना नहीं है, आप रेडी क्यों नहीं हो अभी तक यार? मैंने नहीं जाना। क्यों? मैं कल जाऊंगा। आज क्यों नहीं जाना? आज तो वैसे भी फेस्टिवल का लास्ट डे है आज तो। मैं बच्चा थोड़ा हूँ यार। हम बच्चे हैं, मां बच्ची है। यार हद हो गई है। आओ आपको मैं आसमानी झूला दिलवाऊंगा, तेरा मजा आएगा। मैं कल जाऊंगा, मैं न्यास पे जाऊंगा। कल तो कुछ और सीन है ना, वो तो हम वहां पर जाके भी आपको बताएंगे। गल कदल की तरफ क्या सीन है, अभी आपने झूला नहीं लेने? कश्ती वाला झूला, डोली वाला? आजा। नहीं नहीं, पक्की बात है? आ जाओ यार, मौज करेंगे। तू जाना ठीक है, आपने जाना ना, आओ चले ठीक है फिर। अल्लाह हाफिज, अच्छा लगा आपसे मिलके, बाय बाय। मिनसा आपने जाना है? कहाँ जा रहे हैं हम? यार मेरी जुबान किड्डी चल दी है यार। आजा, ये देखो भाई, हम मेट्रो से हो आए थे और डॉक्टर वाले खिलौने हमने ले दिए अपने काके को। ओके चले जी, आजो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ओए अल्लाह। नजबली, ये फेस्टिवल क्या था इसमें? मामा जी, फेस्टिवल इज लाइक अ कॉन्सर्ट। यहाँ पर कुछ सिंगर्स आते हैं, परफॉर्म करते हैं, गाना गाते हैं, फिर बच्चे एंजॉय करते हैं। उसके अलावा फूड के स्टॉल्स लगते हैं, अलग अलग खाने लगते हैं। फिर उसके अलावा गजल के घर के सामने तो झूले भी लगे हुए हैं। झूले लगे हुए हैं, आपको मैंने झूले दिलवाने हैं। डोली झूला? पागल पुगल ना सुनाओ मुझे। झूले क्यों लेने? मैं आपको बताऊंगा, तू तो लेगा ही, तुझे मैं दिलवाऊंगा। ये भी लेंगी आपको, मैंने कश्ती झूला भी दिलवाना है, आपको मैंने डोली झूला भी दिलवाना है। सबसे ऊपर वाली सीट पे बिठा रहा है आपको, देखना जरा। अच्छी बात बोला करो। मम्मा को मैंने सारे अकेला अकेला झूला दिलवाना आज। आपका मैंने बचपन रिवाइज कर देना, देखना जरा। देखो सही, देखना सही आज। मैंने चस्का आपको बताता हूँ, मैं अवैध साहब के साथ होगा, टेंशन ना लो, मैं व्लॉगिंग करूंगा नीचे खड़ा होकर। मैं झूले नहीं ले सकता, मुझे उल्टी आ जाती है फौरन ही, मैं नहीं ले सकता। बताता हूँ। चलो अस्सलाम वालेकुम। मनु इंज लग रहा है मैं आईजीआई खेल के आ रहा है, रास्ता ही कोई नहीं आया आंदा यार, वो सिक्योरिटी इन्होंने हाई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठीक। आपके तो घर के सामने ही मेला लगा हुआ है। हैं आज मेला वेख लाहौर के मुंडे, दुबई दी नहीं कुड़ियां। और सुनाए क्या हाल है? तबीयत सही? ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं आपके घर के सामने? माशाल्लाह रौनक लगी हुई है, क्या बात है भाई जान। अम्मा को हमने सबसे तेज वाला झूला आज दिलवाना है। ओ ये वाला, सबसे तेज वाला झूला, ये वाला और ये वो वाला, ठीक है ना भाई? रेडी? इसको भी, इसको भी। तेरे में दसना वा। आज 5 मिनट बैठते फिर निकलते हैं। हाँ जी बताता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, की रौनक लाइया आज, झूले ही झूले। आपकी बेटी किधर है? मेरी बेटी अपने होते गई भाई। किधर है बेगम आपकी? वो शिदाई है कॉन्सर्ट की, जब पहले भी होता था ना यहाँ पर लेक सिटी में या फिर तहार टाउन में, मैं कहीं नहीं जाता। गजल सबसे पहले पहुंची थी, पिछले महीने 2 महीने पहले लेक सिटी गई है। आप इधर, आप मुझे पता था मगरब के बाद गायब। सबसे पहले यार माशाल्लाह नजरे बस से बचाया आपको। अच्छा जी, आपको गाड़ी की बहुत बहुत मुबारक हो, जो आपको सरप्राइज कल आपके बच्चों ने दिया है, बहुत 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 मुबारक हो। मुझे पता वैसे पहले से था, लेकिन मैं जरा जिप हुआ था आपके बच्चों की वजह से। उन्होंने कहा था हम सरप्राइज देना चाहते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहुत चलो जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, हमने जो है ना झूले दिलवाने हैं अम्मा को, डोली झूला, कश्ती वाला झूला, ठीक है? चलो मम्मा को तो दिलवाएंगे ना, इनको दिलवाने, आपको दिलवाना है आपको। हाँ जी आजो। गजल खाना भी साथ दिया, खाना भी साथ दिया। गजल और आमना ऑलरेडी वहाँ पर है, हम भी चलते हैं। चलिए जी आगे बैठते हैं। मेरी छोटी नहीं है ना, लो बीमार हो गई। अच्छा भाभी, भाभी नहीं आई साथ? नहीं वो बीमार है। बीमार हो गए आपको? यार डॉक्टर के पास लेके जाओ ना। वो डॉक्टर से अम्मा भी और वो खुद भी। अल्लाह पाक सेहत दे भाभी को। चलिए चलिए भाई आजो आजो। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ये रहा झूलों वाला सीन, यहाँ हम आते हैं बाद में। ये रहा सामने गजल का घर, जवाद भाई का घर, और वहाँ पे हो रहा है सारा कॉन्सर्ट। मैं अम्मा को और बाकी अपनी दूसरी अम्मा को और साथ बाबा को लेके जा रहा हूँ, कॉन्सर्ट पूरा का पूरा दिखाना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक सिक्योरिटी वाली टाइट टाइट, अल्लाह खैर करेगा भाई। फैसलाबाद से आए झूले वाले, आपको झूले वाले मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। लो जी झूले वाले भाई कह रहे हैं कि आप अम्मा को लेके आए, मैंने फुल स्पीड में झूला देना है। पीर मौलानी मदद भाई, ठीक है जी। तो अभी जा रहे हैं कॉन्सर्ट के अंदर, आज मैंने फर्स्ट टाइम अम्मा को भी कॉन्सर्ट दिखाना है,
दूसरी अम्मा ने पता नहीं कॉन्सर्ट देखा हुआ पता लिया नहीं भाई नहीं अम्मा ने कॉन्सर्ट देखा मैंने कभी अम्मा ने भी कॉन्सर्ट नहीं देखा हुआ असी अपने माँ प्यो कॉन्सर्ट दिखा देना आज कॉन्सर्ट में क्या टीटो पड़ गया लाहौल वाला कुआं तुम्हारी ये उम्र है तुम दोनों की ये काम करने वाली तुम्हारी एज है ये काम करने वाली बताओ जरा मुझे ये क्या पहना हुआ तुमने इधर आओ यार मेरी बात सुनो हेलो पास दो हम भाई बाहर खड़े हम पागल हो तुम और चल अपना पास दे यार अच्छा ये पासपोर्ट कोई नहीं वीआईपी एंट्री क्या बात है अपना डॉन अपना डॉन समझ आ रही है क्या हुआ क्या हुआ कुछ नहीं समझ आ रही तुझे क्या हुआ कल क्या हुआ था परसों हम बिल्कुल आगे खड़े हुए थे फैंस से आगे स्टेज के लोगों साथ पीछे से एक लड़का मुझे बुला के था आना भी चुप तेरे पे आना अच्छा जी मम्मा को कोई समझ नहीं आ रही और ना ही कोई मम्मा को खास इंटरेस्ट हो रहा है मेरा ख्याल है 5 4 3 2 1 Ladies and gentlemen, put your hands together for one and only Shakin. चलिए यही सब होता मम्मा जी लो जी मम्मा कोई खास इतना एंजॉय नहीं कर रही मेरा ख्याल है हमें निकलना चाहिए और मैं तो आया ही अम्मा के लिए था मैं तो कोई इतना खास कॉन्सर्ट लवर हूँ ही नहीं ओके यार बड़ा मजे का कॉन्सर्ट है अल्लाह हाफिज ओके भाई अल्लाह हाफिज पहुंचो शाबाश पहुंचो चलो मम्मा जी झूले लेते हैं हम झूले लेते हैं अब कुछ भी नहीं है मम्मा जी कुछ भी नहीं है चलो देख की कर देगी गावे गाना गाएगी और क्या करेगी आप लोग जाओ 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 अच्छा जाओ 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 निकले झूला ले जाके झूला लेते हैं झूले सिंगर या मम्मा जी और कौन होता मेरी बात सुनो गाना गाएगी गाना गाएगी और कुछ भी नहीं निकलना आओ झूले लेने चलो चलिए माँ जी चलिए ये लो चल यार चल आ जाओ यार मम्मा देखो मेरी बात सुनो खाली झूला कोई भी नहीं है इसीलिए कह रहे हो चार बंदे होते फेरी में तो चार क्या हम छह सात तो खुद ही हम आ जाओ आ जाओ आ जाओ अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना बकरी सर बैठ जाएंगे आ जाओ ओ यार आप बाहर से देख ऐसे वेव कर लेना हमें ना समझा करो चलो आओ आओ शाम हरिया भरिया भरिया हरिया चलो चलो यार भाई कोई बंदा ही नहीं है अब क्या करेंगे पक्की बात है गिरा ना देना कहीं वेट ही बैलेंस ना हो बैठो मम्मा जी देखी ध्यान से आ भाई भाई आप आए आप मेरे साथ यार मैं भी बैठूंगा प्रॉमिस बैठूंगा अल्लाह की कसम बैठूंगा यार झूठ बोल रहा हूँ मैं यार ये देखो आ गया अच्छा भाई आ जाओ इसको छोड़ो मिंसा को छोड़ो ये शोर करेगी वरना मैं बैठता हूँ आओ आओ जल्दी करो हरिया भरिया भरिया मैं कल्ला नहीं डिगांगा जी डिगांगा मुर्शिद मेहरबानी बड़े लोगों की जिम्मेदारी है मेरे से इतने सुटरा मनु बस ठीक है ना सात बजे ओ मम्मा जी देखे ओ मम्मा जी देख के ध्यान से हम वहाँ बैठ जाए पीछे बैठ जाए ऊपर बैठना सर आपने क्यों ऊपर क्यों बैठ रहे हैं हमने लेवल करना होता है इसका लेवल ओए गई मम्मा ओ मम्मा गई मम्मा गई मम्मा खाली झूले में भजन कोई और सवारी है ही नहीं खाली अम्मा और अवैस मैं और अजय पर बैठेंगे दूसरी डोली पे इसमें भाई 15 में बैठ जाते ठीक है जी नंबर मिल गया है जी हमें 15 पंजा दे बुए उत्ते आ बड़ा हंस रहे हो बड़ा हंस रहे हो कुछ करना ना मैं आपको बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ लड़ाई हो रही है भाई नॉर्मल चलाई यार तेरी मेहरबानी मैं 7:07 से डेली 7:07 से 5-6 लाख लोगों को मिलना होता है तेरी मेहरबानी मनु राम लाजी हाँ बिस्मिल्लाह रहमान टेंशन कोई नहीं है आगे 14 नंबर है 15 नंबर में बैठे हुए परेशानी कोई नहीं अल्लाह ख्याल करेगा आमीन क्या ये तो घूम रही है जाना आगे जा रही है ये तो घूम रही है ब्रो मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है और पेट में गुदगुदी हो रही है अब तू इसके बाहर रोक रही है क्या हो गया झूले का पूरा भाई साडे पास की गल नहीं है मेरे ना मेरे मेरी तशरीफ से गुदगुदी हो गई ना पेट तक गुदगुदी आ रही है भाई रोक दी Two thousand years later. ओए यार अल्लाह की कसम उतना तो मुझे झूले ने नहीं सिखाया जितना आपने मेरा पट सुझा दिया खारिश कर करके
इतनी जोर से पकड़ा पट्टा आपने मेरा, मम्मा यहाँ से पकड़ा मेरे नील पड़ गया यहाँ से, यकीन करो आप लोगों को नहीं डर लगा, कोई डर नहीं लगा। बड़ी पुरानी खिलाड़ी मैं, जब नीचे आती है ना तो पेट भी अंदर से लेके तो शरीफ तक ऐसे गुदगुदी होती है कसम से। चैनल बात, लेकिन मजा आया ना, मैं कश्ती रख दूं आपको, कश्ती रख दूं क्या लेने कश्ती, चलो आओ वैसे। हाँ कश्ती जो है वो चार बंदे होंगे तो फिर जाएगी, चले अंदर कुछ खाए जाके, बहुत बहुत मशक्कत कर रही है कुछ खाए जाके, रोटियां कुछ वो क्या है, खाली है, कुछ भी नहीं है इधर, पानी बहुत है ना, वो देखो बारिश हुई है, मेरी बात सुनो, कुछ खाते पीते जा रहे हैं, भूख लग गई है। बस भाई हमारी हिम्मत इतनी सी थी, आमना और गजल को सलाम है, ये लोग 12:01 बजे भाई वापस कितने बजे आएंगे, बारह एक बजे आएंगे, और जी शौक बता रही है कि अभी 11:15 ही हुए हैं, हमें लगी है भूख, इतने से ही झूले हम ले सकते हैं जितने हमने ले लिए, खाना महबूब भाई लगाने लगे हैं, खाना खाते हैं फिर भागते हैं घर को। आए 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 निहारी आ गई जी, ये निहारी के लवाजमात आ गए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑलवेज, महबूब भाई ने जादुई निहारी बनाई थी, जादुई क्यों भाई, ऐसे है कि नहीं, आप लोगों को, आप लोगों को तो नशा लगाया होगा महबूब भाई ने, आप कहीं जाकर खाना नहीं खा सकते, मुझे दो किलो का नशा आया। हाँ जी, एक आदम निहारी कर तो लीजिए बाप, ऊपर ऊपर कहाँ पे, वो झूले पे, अरे गुदगुदी हो रही थी पेट में भाई, खाना शाना खा लिया, गजल के वापस आने का भी कोई इम्कान नहीं है भाई, ठीक है गजल पता नहीं कब आती है, 12:00 बज गए हैं, लेट आएगी, खैर घर सामने उन्हें इंजी करना है तो घर आ गई, इंजी करना तो फेस्टिवल से चली गई। अच्छा शौक है ना, हाँ वैसे भी लास्ट डे आ गई, हाँ जी आज लास्ट डे है, कल से खत्म हो जाएगा फेस्टिवल, और परसों हमारे घर पे लेबर भी इंशाल्लाह दोबारा लग जाएगी, और मैं आपको बता दूं जो मैंने आपसे कहा था कल दोबारा आएंगे तो बाबा भी कल आएंगे, कल क्यों आना हमने, माँ जी आप खुद बता दे कल क्या है, कल हमारे घर न्याज है जी, कुंडों की हजरत इमाम जाफर सादिक, हमारी ये न्याज इसलिए लेट हुई कि इवन तो गाड़ियां बाहर रुक रही, हाँ जी गाड़ियां वो आने ही नहीं दे रहे, हमारी भी गाड़ी इसलिए आई है क्योंकि हमारा घर है, ठीक है, और दूसरी बात ये कि मेन्यू में क्या क्या है वो आप अभी ना बताएं, कल ही बता दीजिएगा, मैं विजिट कर लूंगा, कल आप खुद ही किचन में जाएंगे, किचन का टूर तो मस्त है, अभी फिलहाल खाना खाना खा लिया, निकले मामा जी घर चले, इससे पहले कि फेस्टिवल खत्म हो, गाड़ियां सारी एक दफा ही निकलेंगी, रश पड़ जाएगा, ठीक है निकलते हैं टाइम टू टाइम घर, व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट करके बताएं कैसा लगा कैसा नहीं लगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होती मुलाकात कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़ जी हेलो अल्लाह हाफिज़ जी अल्लाह हाफिज़ जी।